नमस्कार, जय श्री राम जी की। कैसे हैं आप प्यारे दर्शकों? आज हम आपके लिए बहुत ही अद्भुत ज्ञान लेकर आए हैं। बहुत से हमारे साधक उपासक एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वह इस बात को चिंतित रहते हैं कि गुरु जी मैं कौन सी साधना करूं और कौन सी हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगी। देखिए, जो लोग साधना अपनी राशि बल को देखकर करते हैं, अपने नक्षत्रों को देखकर करते हैं, चौगड़िया देखकर करते हैं, पंचांग को देखकर करते हैं, वो सफल जरूर होते हैं। क्योंकि नक्षत्र बल जो रहता है वो सबसे बड़ा महत्व होता है। आज हम इसी विषय पर बता रहे हैं कि अगर आपकी राशि तुला है, मकर है, मेष है, यानी 12 राशियों का इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर मेष राशि के हैं तो कौन सी साधना करें जो आपको अतिशीघ्र सफलता मिलेगी, वो शक्ति आपको मिलेगी। अगर तुला राशि के हैं तो कौन सी साधना, कौन सी आप सिद्धि करें जो अतिशीघ्र सफलता मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। आप देखिए, लाभ उठाइए और इसका फायदा लीजिए। प्यारे दर्शकों, अगर आज मैं जो बता रहा हूं इस फार्मूले का आपने प्रयोग किया तो निश्चित आपको सफलता हाथ लगेगी। और जो आप एक बार में कई साधना करते हैं और सफल नहीं होते, परेशान हो जाते हैं, तीन तीन साल, चार चार साल लगा दिए, कुछ हाथ नहीं आया, बस अनुभव, जहां एक बात आती, कुछ कुछ एहसास हुआ। तो कुछ कुछ एहसास करना हो तो किसी पास, गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी फिल्मी गाना उठा के पीपल के नीचे शनिवार को 21 बार जाप करो, उसमें भी एहसास हो जाएगा। आप हंस रहे ना? आजकल ये मूर्ख बनाने का बहुत तगड़ा सा धंधा चला है। बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं आपको, शिविर लगा रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी बड़ी चीज दे रहे हैं, उनके पास खुद नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, जब किसी के पास जाइए, किसी को गुरु बनाइए, अगर वो बोला आपको जिन दे रहा, तो आपका परम कर्तव्य है कि गुरु जी आप हमारे गुरु बनने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास ये चीज है, आप दिखा सकते हैं, एहसास करा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज दिखाए जिससे मुझे विश्वास हो कि आप भी इन शक्तियों के स्वामी हैं। अगर दिखा दिया तो वाकई में समझिए, नहीं तो बात बना के आपको टहला देगा। ये सब मदारी होते हैं, जैसे सड़क पे मदारी होता है उस तरीके से ये भी होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना चाहिए, इष्ट। इष्ट अपने जन्म पत्री से भी देख सकते हैं या कुंडली से भी देख सकते हैं, नहीं तो राशि पे आ जाइए। आपकी राशि क्या है, इष्ट होता कौन है, मैं बता दूं। आपके इष्ट जो होते हैं, जिस लग्न में आप जन्म लेते हैं, जिस पहर में जन्म लेते हैं, उसका स्वामी जो होता है वो इष्ट होता है, यानी वो देवता होता है। इष्ट वे देवता होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक पोषित और पूजनीय होते हैं। ठीक है, अब इष्ट को हम पकड़े, उस इष्ट को जैसे मान लेते हैं गणेश, सिंह राशि वालों का गणेश। तो सिंह राशि वाले अगर गणेश की साधना करें तो उनको बहुत जबरदस्त फायदा होगा, उनका कोई काम रुकेगा ही नहीं। और गणेश संबंधित जितनी साधनाएं हैं उनको करें, उनके गणों का, उनके उप जो योगनिया है, रिद्धि सिद्धि इत्यादि का, गौरा का करें, शंकर का करें, हनुमान की करें, तो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार जो 12 राशि है उनके कौन से गण हैं और वो कौन कौन सी साधना करें, इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे दे रहा हूं। लेकिन वीडियो अभी काटिए नहीं, सुनिए जरूरी बात। हर नक्षत्र का, जैसे तुला है, आपकी राशि तुला है और तुला लग्न है, तो आप या तो स्वाति या चित्रा के होंगे। स्वाति नक्षत्र अधिकतर देखा जाता है, तो तुला राशि है। ठीक है, तुला वालों का मान लीजिए हम शंकर भगवान कह देते हैं या विष्णु भगवान है। ठीक है, तो इनकी साधना हम स्वाति ही नक्षत्र से चालू करेंगे। मेरी बात समझना, स्वाति नक्षत्र से ही चालू करेंगे तो मेरा दावा है एक बार में आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह के आप अपनी राशि देखिए। सबसे पहले कन्या है, अच्छी बात है। कन्या राशि आपकी, जो आप जन्म लिए थे उस समय कौन सा नक्षत्र था, नक्षत्र देखा। अब कन्या के इष्ट कौन है, इष्ट के संबंधित कौन से देवी देवता हैं,
फिर उनमें से जो साधना करना चाहे तो अपने जन्म नक्षत्र के दिन से चालू करना, आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ये बहुत छोटा सा सूत्र आप लोगों को दे रहा हूं, इसको अपनाइए। मेरा विश्वास, मेरा वादा है कि आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि सफलता हाथ नहीं लगी। जय श्री राम।